दुई विपक्षी दलका नेताहरू अँगालो मारे। आज सिलगढी जर्नलिस्ट क्लबमा एउटा छुट्टै दृश्य देखियो। मेयर गौतम देव र सांसद राजु विष्ट सँगसँगै देखिए। बेला बेलामा राज्यभरि राजनीतिक हिंसाका तस्विर खिचिन्छन्, तर आज सिलगढी शहरमा अर्को एउटा तस्विर देखियो। बुधबार भाजपा सांसद राजु विष्ट र तृणमूलका मेयर गौतम देवलाई अंगालो हालेको र हात मिलाएको देखियो। कुरा यही टुङ्गिएन, दुवैले एक अर्काको हाल खबर सोधे र विचार आदान प्रदान पनि गरे। सिलगढी नगर निगमका मेयर गौतम देव सिलगढी पत्रकार क्लबको सरस्वती पूजामा सहभागी हुन पहिलो पटक आएका थिए। त्यसको केही समयपछि दार्जिलिङ जिल्लाका सांसद राजु विष्ट पनि आइपुगे। आमने सामने हुने बित्तिकै मुस्कानका साथ हात मिलाउँदै एक अर्काको हाल खबर सोधपुछ गरे। यस कार्यक्रमको प्रायोजक हो शिवकोटी प्रिन्टिङ प्रेस। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে আমি এসেছিলাম, এমনিতে তো হয়ে ওঠে না আরকি, মানে তখন তো রাজনীতির মঞ্চ, কিন্তু আজকের জায়গাটা আলাদা। কম অনেক কালচার প্রোগ্রামে কাউন্সিল দেখা হয়ে যায়, देखिए राजनीति के अंदर में कई बार हम लोग विरोधी दल के नेताओं से मुलाकात करते हैं, मेयर से करते हैं, विधायक से करते हैं, तो ऐसा बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है। मैं ऐसा नहीं मानता। हो सकता है हम सब की पार्टियां अलग होने के कारण हमारी सोच और हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, और भारत की यही विशेषता है कि अनेक लोग, अनेक पार्टियां, अनेक विचारधारा के बावजूद भी हम एक परिवार हैं। आखिर है तो हम सब हिंदुस्तानी ही, और है तो हम सब लोग दार्जिलिंग वासी ही। सो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत आश्चर्य का विषय ऐसा नहीं है। और स्वाभाविक रूप से मैं, क्योंकि उम्र में सबसे छोटा हूं, मैं समय समय पर जो है उनसे बात भी करता हूं, अशोक दास से भी मैं बात करता हूं, पपैया जी, हमारी पपैया घोष जी जो है अध्यक्ष, मैं उनसे भी बात करता हूं, कई बार कार्यक्रम में भी मैं बुलाता हूं। तो मुझे लगता है हम ठीक है, राजनीति और वोट के समय युद्ध स्तर पे हम सब लोग बात विवाद करते हैं, अपनी विचारधारा को और अपनी पार्टी की लाइन को आगे रखते हैं। मुझे लगता है वो वहीं तक ठीक है, उसके अलावा हम सब भी एक परिवार है, और हम सब लोग नेता से पहले जो है हम हिंदुस्तानी है, ये स्वभाव हम सब के अंदर में होना चाहिए और है भी। तो आज इस कार्यक्रम में गौतम देव जी भी आए थे, उनसे मिलकर अच्छा लगा, और क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक राजनीति की है, सिलीगुड़ी की जनता के लिए काम किया है और उनको अनुभव भी है, और मुझे लगता है हम सब लोग नए पुराने सब मिल करके अगर सोचे तो मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण हम लोग निर्माण कर सकते हैं, और सिलीगुड़ी में वो क्षमता है, पूरा बंगाल का नेतृत्व कर सकता है। हमारी ये खासियत है, ये हमारी शक्ति है, हम अनेक होते भी एक हैं, और सिलीगुड़ी अगर पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करता है तो पश्चिम बंगाल को पुनः उसी स्थान पे हम पहुंचा सकते हैं जब आजादी के समय जो पश्चिम बंगाल की गरिमा थी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। यो हो SG News।